आदरणीय IRCTC वालों, तुम लाउंडो के लिए साइड लोअर वाला सीट ट्रेन बुकिंग ऐप से हटा का नहीं देते? नहीं मतलब टिकट बुकिंग करने के बाद ट्रेन पे जैसे चढ़ो अंकल आंटी के साथ एक्सचेंज ही करना पड़े तो क्या मतलब है बुकिंग करने का? बैग रखो नहीं, अंकल आ जाएंगे, बेटा हमारा साइड अपर वाला सीट है, हमको भगंदर है, बवासीर है, अपेंडिक्स है, पैर में मोच है, कपार में चोट है, प्लीज बदल लो, ऊपर वाले भी चले जाओ। और पूछेंगे ऐसे टाइम जब कोई लड़की हमको देख रही हो और लौंडा इस टाइम मना भी नहीं कर पाता और बोगी में बैठे हुए सब लोग ऐसे कहेंगे, अरे भाई साहब आप तो जो है गरम खून है, ऊपर चले जाइए, चचा पैर में दिक्कत है यार, बैठने दीजिए। अरे तो तुम अपना सीट दे दो ना यार चचा को, हम कर्ण हैं कलयुग के जो उनको दे दें। हम लौंडे 3 महीने पहले साइड लोअर वाला सीट बुक करते हैं ये सोच के, खिड़की के पास बैठेंगे, हवा खाएंगे, लेटेंगे और वीडियो बनाएंगे, सफरनामा वाला गाना लगाकर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेंगे, भले अपने घर बाराबंकी काहे न जा रहे हो, कम से कम ट्रैवलर वाला तो फीलिंग लेंगे। लेकिन नहीं, जब तक ये तो दाए अंकल आंटी है कहां से हमारा अरमान पूरा हो पाएगा यार? इन्हीं लोगों के चक्कर में हम अपाहिजों की जिनको जरूरत है उनको सीट नहीं दे पाते हैं। हमको लगता है ना भाई साहब, इंडिया में रेलवे स्टेशन पे पहुंचते ही जितने भी अंकल आंटी है सब लंगड़े हो जाते हैं, साला ट्रेन का बोगी नहीं हो गया, एम्स का अस्पताल हो गया, तरह तरह के मरीज मिल जाएंगे। यही अंकल कुछ देर पहले अभी दौड़ के ट्रेन पकड़े थे, अब बोल रहे हैं बेटा हमको वो साइड अपर वाले में हम चढ़ नहीं पाएंगे, पैर में दिक्कत है। इनका भौकालबाजी यही खत्म नहीं होता है, फिर ये चालू होते हैं, अरे भाई साहब हमारा बेटा जो है एसी में टिकट बुकिंग किया था लेकिन नहीं हो पाया, सचिवालय में काम करता है हमारा बेटा। हम कहे कि अब जाने दो, हम तुम्हारे और मम्मी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, स्लीपर में चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे काहे बात की इतना भौकालबाजी दिखा रहे हैं यार आप? गोल्ड स्टार का 100 रुपए एक जूता पहने हमको दिख नहीं रहा है, और रात होते ही खाना हमसे ऐसे छुपा के खाएंगे जैसे हम इनके खाने में देख लेंगे तो इनको कैंसर हो जाएगा ऑन द स्पॉट। अरे हमारे सीट पे बैठे हो, शर्म तो आ नहीं रही होगी कि लड़का ऊपर बैठ के कुरकुरे खा रहा है, दो रोटी पूछ ले? और रेलवे वालों, जब तुम्हारा सॉकेट चार्जर का चलता ही नहीं है तो तुम लगाते काहे हो यार? और गलती चल गया तो ये अंकल जो है अपना सैमसंग गुरु लगा के बैठे हुए हैं, हम क्या करें, कहां डाले अपना चार्जर हम हैं? और अंत में रात 2 बजे जब हमारे सोने की बारी आती तब कहीं कोने से आवाज आती, मम्मी। अरे हमको लगता है जितनी ट्रेन में मम्मियां सफर करती अपने बेटे चिकोटी काट काट के जगाती ताकि रखवाली कर सके, कहां रहते हैं? दिन भर तो नहीं दिखाई देते बच्चे, रात को ही काहे जगते हैं? और जब बच्चों को लेके आना होता नींद की गोली काहे खिलाक लेके आते यार? और सुबह हुआ नहीं तो एक आंटी आ जाएंगी मेरे पास, बेटा देखो ज्ञान के पापक जो है वो बीपी के मरीज हैं तो सामान उठाते हैं तो सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा तुम्हारे मम्मी जैसे हैं वो तुम्हारे पिताजी जैसे हैं उतरवा दो, दुआ देंगे। ज्ञान काहे नहीं आता है प्लेटफॉर्म पे, हम ही सामान उतरवाने के लिए एक कान से सीधे कुली बन जाएं? मना करिए बेटा, सेटा पेठा एक्सक्यूज मी के माया जाल में फंस के अपने सीट का बलिदान मत करिए। आपको वीडियो देख के बहुत मजा आ रहा होगा लेकिन अपना भाई ट्रेन में बैठा देश के किसी कोने में साइड लोअर सीट का बलिदान कर रहा होगा, उसके लिए अपने लौंडा समाज के लिए वीडियो शेयर करिए, पूरे दुनिया में पहुंचाइए, पूरे देश के लौंडों तक पहुंचाइए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि देश में मुद्दे बहुत हैं। हे अंकल अपना बैग लेके जाइए यार। अरे आपका पैरवत सही हो गया है बेटा, बैठे बैठे ट्रेन में लोशन लगाई थी तुम्हारी आंटी ना, सब सही हुआ है। अरे तो यही लोशन अपने घर से लगा के आया करिए ना यार।